चंद्रपुर जिले में कोरोना के रुग्णों की संख्या आज फिर कम होते हुए दिखाई दी। वहीं कोरोना से बरी होने वाली संख्या भी ज्यादा ही रही, किंतु कोरोना के कारण आज 19 रुग्णों की दुखद मृत्यु हुई, जो कि अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। आज कोरोना से बरी हुए रुग्णों की संख्या 1067, वहीं 687 रुग्ण कोरोना से संक्रमित पाए गए। चंद्रपुर जिले में कोरोना का संक्रमण जारी है, जहां बीते 24 घंटों में 687 कोरोना के रुग्ण मिले, वहीं 1067 रुग्ण कोरोना मुक्त हुए, वहीं वर्तमान में 10,856 रुग्णों पर उपचार शुरू है। चंद्रपुर जिले में अब कोरोना संक्रमित रुग्णों की संख्या बढ़कर 75,885 हो चुकी है, जिसमें से 63,818 रुग्ण कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वहीं आज बीते 24 घंटों में 19 रुग्णों की दुखद मृत्यु हुई। जिन रुग्णों की दुखद मृत्यु हुई उसमें चंद्रपुर शहर दत्तनगर का 55 वर्षीय पुरुष, अष्टभुजा वार्ड का 50 वर्षीय पुरुष, तुकुम का 46 वर्षीय पुरुष, बहुपेट का 53 तथा 72 वर्षीय पुरुष, अंचलेश्वर वार्ड का 70 वर्षीय पुरुष, 82 वर्षीय महिला, शांतिनगर का 60 वर्षीय पुरुष, भद्रावती तहसील का 72 वर्षीय पुरुष, चिमूर तहसील के आंबे नेरी का 66 वर्षीय पुरुष, गुणपीरी तहसील की 75 वर्षीय महिला, गढ़चांदूर का 53 वर्षीय पुरुष, व्याड़ सावली का 60 वर्षीय पुरुष, सोनेगांव का 60 वर्षीय पुरुष, सिंधेवाई तहसील का 41 वर्षीय पुरुष, कोरपना तहसील का 70 वर्षीय पुरुष, नागवीर तहसील का 62 वर्षीय पुरुष, बरपुरी तहसील के पिपड़गांव के 45 वर्षीय पुरुष का समावेश है। वहीं आज बीते 24 घंटों में 687 रुग्ण जो मिले हैं उसमें चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 188, चंद्रपुर तहसील के 23, बल्लारपुर के 87, भद्रावती के 73, ब्रह्मपुरी के 26, नागबीड़ के 20, सिंधेवाई के 13, मूल के 59, सावली के 27, कोम्बुना के 6, गोंडबिबरी के 31, राजूरा के 23, चिमूर के 9, बोर्रा के 30, कोरपना के 55 तथा अन्य जगहों के 17 रुग्णों का समावेश है। चंद्रपुर जिले में अभी भी कोरोना का संक्रमण जारी है। वहीं नागरिक इस संबंध में सावधानी बरतें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर अवश्य निकलें। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत इसकी जांच कराएं तथा जिला प्रशासन द्वारा जो भी उपाय योजना बताया जा रहे हैं उस पर अमल करें, क्योंकि यही समय की मांग है।